जरे by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights paint the skies. Only you. सो फ्रेंड्स, पहली बार घर में आने के बाद मीन्स नेक्स्ट डे ही मैं रसगुल्ले बनाई थी। ये है रसगुल्ले, इसका कोई रेसिपी भी नहीं बनाई हूँ। बताना जरूर कैसा लगा। और ये है मेरे भगवान जी का जगह, जो जहाँ पे मैं भगवान जी को बिठाई हूँ, कुछ इस तरह से है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऐसे में सजाया है, कमेंट जरूर करना। वो लंबा हो जाता है, बच्चे बोली ना एक राउंड में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सनी। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि आज मैंने घर में फर्स्ट टाइम भगवान जी का पूजा किया है। ठीक है, इसीलिए मैं सोची कि आज मैं ब्लॉग को भी स्टार्ट करती हूँ। और घर शिफ्टिंग हो चुका है, ये मेरा न्यू होम है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में। पहले जो दिखाई थी उस टाइम में गृह पूजन की थी, शिफ्टिंग से पहले ही मैंने गृह पूजन कर ली थी। जैसे आप लोगों को मैं शिफ्टिंग के टाइम ही बताई थी कि मेरा मंथली आने वाला है, इसीलिए मैं घर में मेरे ओनर से बात करके पहले ही गृह पूजन कर ली। उसके बाद संडे को हम शिफ्टिंग किए हैं, उस दिन से मेरे घर में पूजा नहीं हुआ है। इसीलिए आज मेरा सब कुछ क्लियर है, मीन्स कंप्लीट हुआ, तो मैंने सोची कि पूजा करूँगी उसके बाद ब्लॉग बनाऊँगी, आप लोगों से बात करूँगी। नहीं तो मुझे ना एक अधूरा अधूरा सा लग रहा था कि कुछ तो कमी हो जाता है। और घर से आने के बाद ना आज मैंने पूजा किया है, नहीं तो सुबह कर लिया करता था। बट ये यहाँ पर ना नीचे नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर है, तो शुभ का हाथ नहीं आता यहाँ पे, इसलिए मैं उसको भी नहीं बोली, क्योंकि मुझे सजाना था थोड़ा सा। कैसा लगा आप लोग भी बताना। और शुभ साउंड म्यूट कर बच्चा। काफ़ी लेट हो चुका है, मैंने खाना नहीं खाई हूँ, मीन्स ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। शुभ को बस एक बिस्किट दे दिया है और मैं थोड़ा सा बैठ गया, क्योंकि मॉर्निंग से मैं घूम रही हूँ, मीन्स 8 o'clock ही आज उठी, थोड़ा सा लेट हुआ। और आज ये ईद, मेरे सारे मुस्लिम भाई बहनों को ईद मुबारक, ईद उल फितर का, रमजान का आप लोगों को ढेर सारे बधाई हो। मुझे नहीं पता इस टाइम क्या करते हैं क्या नहीं, बट हाँ उनका त्यौहार है तो वो अच्छे से मनाए। इस टाइम जो भी चल रहा है ना, सब ऐसे ही कर रहे हैं कि घर बैठे बैठे ही सब कुछ करना पड़ता है, कोई भी मिलना जुलना नहीं हो पाता है। तो चलिए ठीक है, जो है सो है। और घर में थोड़ा सा दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने कैसे सेट किया है इसको। और
इससे पहले ना मैं कुछ खा लेती हूँ और चाय थोड़ा सा पीती हूँ। मुझे थोड़ा सा भी काम है, मुझे अभी बाहर जाना है। आज जो सुबह का मीन्स गैप है, जैसे आप लोगों को बताई थी कि सुबह का एग्जाम भी चल रहा है, तो 11 से उसका एग्जाम चल रहा है, बट आज उसका गैप है ईद के वजह से। तो मुझे लगा कि आज मैं मेरा जो भी बचा उचा काम है ना वो को मैं कंप्लीट करूँगी, तो ऐसा है। तो चलिए, ये ब्लॉग में ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, आप लोगों को जस्ट एक लुक दे दूँगी घर का। और और चाय सुबह को मैं खिला दिया था, तो वो क्या पी रहा है? टमाटर सूप। ये देखो, सुबह को अच्छा लगा टमाटर सूप। मेरा खाना पीना हो चुका है और मैंने आधा ही खाया, मुझसे नहीं हो पाया, लेट हो गया है। अभी आप देख सकते हो 12 बज गया है। और चलिए मैं आप लोगों को ना एक लुक दे देती हूँ घर का कि मैंने घर को कैसे सजाया है। पहले भी तो सुबह ने आप लोगों को दिखाया है कि घर कैसा है, और उस टाइम गृह पूजन चल रहा था, मैं तो थोड़ा सा बिजी थी। तो चलिए टाइम वेस्ट न करके मैं आप लोगों को छोटा सा लुक देती हूँ। और थोड़ा सा सामान ना बिखरा हुआ है अभी भी, क्योंकि कल कपड़ा साफ हुआ था। इसके बाद ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे, कल शाम को बहुत ज़्यादा तूफान आया था, बारिश तूफान सब कुछ, तो इसके बाद आप लोगों को मैं वही दिखाती हूँ। और मेरे घर में ना समंदर भी आ गया, तो ऐसा था। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा क्या होता है। सो ये घर का एंट्रेंस जो है ना वो दो है, ठीक है, दो बेडरूम में दो एंट्रेंस रखा है, मीन्स ये एक बेडरूम है और यहाँ पे मैं मशीन वगैरह सब कुछ रखा है और ऐसा है। और वॉल में ऐसे ओपन वॉल है, मीन्स सेल्फ है, जो मुझे पर्दा लगा के रखना पड़ता है। आप लोगों को अगर याद होएगा तो एक टाइम में पहले पहले इसी टाइप का ही घर में था। तो ये था बेडरूम और ये है हॉल। हॉल में टीवी है, टेबल है, कुर्सी है, सुबह का टेबल है, और पीछे के साइड छोटा सा बालकनी है। नेक्स्ट आता है मेरा फ्रिज, उसके बाद सेकंड बेडरूम जहाँ पे हमने बेड लगाया है, और कल कपड़ा साफ हुआ था तो उसको मैं तय नहीं किया है करूँगी। यहाँ पे भी अटैच बाथरूम है, वो रूम में बाथरूम नहीं है, ये रूम में बाथरूम है, खिड़की है और एंट्रेंस भी है यहाँ से। और फैन का जैसे मैं बोली कि यहाँ पे फैन नहीं है, तो हम ना दोनों हॉल में ही सोते हैं। यहाँ पे ये फैन एक जो है वो घूमता है। और किचन रूम बहुत छोटा है, जो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, फिर भी मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे ऊपर क्या बोलते हैं वो, ऐसे भारी जैसा है ना, वो सारा सामान वहाँ पे रख देती हूँ। और सिर्फ कुछ इस तरह से है, इतना ही है तो चल जाता है। बट ये जो स्लैब है ना, स्लैब बहुत ही छोटा है, बस इतना सा गैस में ये कवर हो जाते हैं, और यहाँ पे इंडक्शन और ग्राइंडर में कवर हो जाते हैं, तो मुझे काम करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। और यहाँ पे खाना पीना जो भी सामान आप रख सकते हो, बट कुछ ऐसे नहीं है कि आप कर सकते। यहाँ पे छोटा सा स्लैब दे देता तो अच्छा होता शायद मेरे ख्याल से। तो ये है किचन, उसके बाद यहाँ से है छोटा सा बालकनी, जो यहाँ पे एक लैट्रिन रूम आउटसाइड दिया गया है, लैट्रिन रूम है ये, और बाथरूम। ये किचन के बैक है और ये हॉल का बैक है। यहाँ पे भी दरवाजा है जो मैं अभी बंद किया है।
मेसिन में यहाँ पे रखा है क्योंकि कनेक्शन यहाँ पे ही था और ऊपर स्लैब सीलिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एरिया अच्छा सा है जो गार्डनिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़ कर सकती हूँ। और यहाँ पे है तुलसी का पौधा जो सुबह हमेशा पानी देता है तो ऐसे हो जाता है। और ये बैग को ना हम सामान लाने के लिए, दूध लाने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखोगे, वहाँ पे देखो बाल्टी ऐसे यूज़ करते हैं कि बाल्टी रख दिया तो कोई भी सामान यहाँ पे डाल के वो चला जाता है, मीन्स जिसको जो देना होता है ना वो चला जाता है। ये है एरिया मेरा। तो बस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना। करण गोपी मैंने ऐसे ही दिखाया है वीडियो कल तक के ये ऐसा है। और यहाँ पे मैंने दो भगवान जी को रखा है, वन साइड और वन साइड मैंने जो मेरा कांच का सामान है ना वो रखने के लिए, वहाँ पे जगह नहीं था तो वहाँ पे थोड़ा सा करके ऐसे ऐसे रखा है ग्लास वगैरह। और मेरा कॉस्मेटिक्स जो भी है ना पाउडर क्रीम वगैरह वो वहाँ पे है। और कल जैसे मैं बोली थी तूफान आया था तो यहाँ पे मेरा मिरर था जो उड़ के फूट गया तो उसको मुझे फेंकना पड़ा। तो बस ऐसे ही है हाउस। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना और इसके बाद आप वो तूफान वाला छोटा सा वीडियो भी देख लो और मेरे घर में जो समुंदर आया था ना उसको भी देख लो। बारिश के टाइम मेरे घर का हालत बुरी हो गया, ऐसे घर से पानी ऐसे निकल के जा रहे हैं। तूफान जैसा था बारिश तो दरवाजे से पानी निकल के ये सारा गीला कर दिया। अभी दोनों रूम से ऐसे पानी निकल के आया है बट जो वहाँ पे ना पानी पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, वही मुझे टेंशन है तो क्या करूँ। देखो पानी मतलब यहाँ पे ना पानी जाने के लिए कुछ नहीं है, ये होल ना बंद कर दिया है, होल पे उसको होल करना पड़ेगा।